राजू अरोड़ा जी ने बुलाया सीगा और शुरुआत की है कारपोरेशन चोणां नूं लैके। असीं लोगां ने वार्ड वाइज जाके मीटिंगां करन दा जिहड़ा प्रोग्राम बनाया, क्योंकि आम तौर पर होंगे कि होटल चो या किसी पैलेस चो आके मुड़ जाया करते हैं लीडर साहबान। मैं सोचा कि घट्टो घट जे 95 वार्ड्स ने उन्हों घट्टो घट 45 वार्ड्स के बतौर PCC प्रधान असी जाके मीटिंगा करिए, क्योंकि सानू भी इस गल का पता लग जाता कि माहौल की है उतों के उस व्यक्ति को लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते। क्योंकि अज की जी राजनीति है वो जनता नूं पुछ के करनी चाहिए, जिहड़ी चीज़ जनता नूं चंगी लगे वो करनी चाहिए। जनता लोग जिन्हों अगे लैके आना चाहते हो उस व्यक्ति नूं अगे लैके आना चाहिए। सो इस करके सिलसिला वार्ड वाइज जाके मीटिंगा करन दा इस करके आरंभिया। इहदे नाल आने वाले समय च मैनूं लगता कि असी जिहड़े रुस्से साडे लोग सी जां जिहड़े घर निराश बैठे सी जिन्हां नूं किसी ने पुछया नहीं उन्हां नूं बल मिलेगा ते साडे नाल जुड़ के दोबारा फिर असी कांग्रेस पार्टी नूं मजबूत करांगे। आम आदमी पार्टी 92 सीटा ना जीते थे, इस बार राजा बड़ी तुसी इत्थे पहुंचे हो, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आने वाले दिन दिनों आनगियां जिहड़ियां तुहाडे वल्लों मतलब जिहड़े तुसी कहिंदे रुस्से होए आ किन्नी मतलब फायदा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने 92 सीटा फायदा ही नहीं वो बदलाव गुस्सा लोगों ने ला लिया जी, हुण उन्हां नूं सारियां सीटां ते जिता दियां, बदलाव उन्हां ने 8 महीने देख लिया, हुण तां दसी जांदे कि बोर्ड भी लाते कि साडा काम बोलदा है। सो मेरे कहन दा मतलब है कि जनता जानती है कि 8 महीने च जो काम किया उन्होंने, हुण लोग इस गल नूं सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी सी जिहड़ी एक तां आपस में भाईचारा कांग्रेस पार्टी ने बनाया हुआ सी, पंजाब दे हालातों ते बिल्कुल काबू पाया गया सी, ते लोगों ने जिहड़ा गुस्सा सी वह ला लिया और लोग ये महसूस कर रहे हैं कि साथों गलती हुई है। और मैनूं पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले समय च असीं कारपोरेशन दी चोणां दे विच दोबारा फिर असीं आपदा इत्थे लुधियाने दे अंदर झंडा गड़ा। सर आम आदमी पार्टी कानून व्यवस्था नूं लैके घिरी हुई है, सवालां दी घिरी हुई है, कांग्रेस किस इस नूं किस तरह देखदी है? असीं तां 8 महीनियां दे रौला पा रहे हैं, मगरले 8 महीनियां तों रौला पा रहे हैं कि कानून व्यवस्था जिहड़ी है वह बिल्कुल हालात खराब हो चुके ने, पंजाब दे नाजुक स्थिति ने पंजाब दी। आम आदमी पार्टी दा इस वल कोई ध्यान नहीं, मान साहब गुजरात च बिजी ने उधर चले जा रहे, इत्थे पंजाब लुटिया सुटिया जा रहा है, सेंटर जिहड़ी सरकार है वह भी मूक दर्शक बन के देख रही है, जान बुझ के स्कीमां लगा रही है कि किदां माहौल खराब होया जाए। मैं समझदा कि दोनों सरकारां हिंदुस्तान की सरकार ते पंजाब की सरकार ये हालातों के लिए जिम्मेदार हैगियां ने, अगर चाहन दोनों सरकारां ते हालात एक घंटे के विच पंजाब के अंदर काबू पाए जा सकते। बेनती करदा कि थोनू ये मौका नहीं मिलना, थोनू एक मौका भुलेखे च लोगों ने दिता, लोगों ने दिता, कांग्रेस का मेयर है, लेकिन उहदे उपर जिहड़े ऑफिसर साहबान ने जिहड़े एस्टीमेट नूं पास करदे ने उस तों बाद ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮੇਅਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੇਅਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭੀ ਜਿਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਗਨਕਲਚਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਨਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਯਾਰ, ਗੱਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ 40,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਗਨਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 100% ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਲਟਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।